तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों Realme 2 Pro का फरवरी अपडेट आ चुका है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट से पिक्चर लेने का ऑप्शन जो है आ चुका है और यहाँ पे ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे 8.16 का वर्ज़न अपडेट हो चुका है और अपडेट मैंने कर लिया है। यहाँ पे अगर आप फीचर्स के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट शूटिंग फॉर कैमरे का ऑप्शन आ चुका है और सिक्योरिटी में एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज अपडेट मिला है फरवरी 5 का। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है और वीडियो भी कुछ उतना बड़ा नहीं होने वाला है। चलिए मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है कितना फास्ट ये फिंगरप्रिंट से सेल्फी लेता है, पिक्चर शूट करता है। तो चलिए दोस्तों कैमरे ऑप्शन में हम जाके देख लेते हैं और देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा और ये फ़ोटो आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत फास्ट रिस्पांस है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत फास्ट फ़ोटो वो खींच रहा है Realme 2 Pro से। यहाँ पे फिंगरप्रिंट से शूटिंग का ऑप्शन आ चुका है। वीडियो बहुत जल्दी में दोस्तों बना रहा हूँ और वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि अपडेट ही कुछ उतना बड़ा नहीं है, बस आपको बताना था। वैसे तो आपको पता है और आपके भी मोबाइल में फटाफट से अगर अपडेट आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर लीजिए और मैन्युअली अपडेट मत करिएगा। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मैन्युअली अपडेट आप मत करिएगा। 2GB फालतू का वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, जो प्रोसेस है बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी कुछ Realme 2 Pro के अपडेट से रिलेटेड जानकारी और आगे भी ऐसे आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा वाला हूँ Realme 3 से रिलेटेड भी, और Realme के सारे अपडेट तो वैसे भी मैं आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।